और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है तो चांद पर परचम लहराने की बात देखिए, अब सूर्य को नमस्कार करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और आज भारत अपने पहले सोलर मिशन की ओर बड़ा कदम बढ़ाने वाला है। आज सूर्य की ओर आदित्य L1 उड़ान भरेगा। अब से कुछ देर बाद ही हिंदुस्तान का ये मिशन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो सुबह 11:50 पर आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य मिशन को 15,00,000 किलोमीटर की दूरी पर धरती और सूरज के बीच L1 बिंदु पर पहुंचाया जाना है। सूर्य के करीब हेलो ऑर्बिट में आदित्य को स्थापित करने में करीब 100 से 120 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन सूरज तक पहुंचने से पहले आदित्य L1 कई चरणों में अपना ये सफर पूरा करेगा। अलग अलग पेस से इसे होकर गुजरना होगा और अब देखिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन यहां पर चल रहा है। कई दिन यहां पर लगेंगे आदित्य L1 को अपने ऑर्बिट तक पहुंचने में। हेलो ऑर्बिट तक उसे पहुंचना है और उसके बाद वो सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन को लेकर सभी की निगाहें, देश भर की निगाहें, दुनिया की निगाहें इस वक्त बनी हुई है भारत पर। अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए भारत तैयार है, हिंदुस्तान तैयार है। तो कुछ ही देर बाद हिंदुस्तान का ये जो मिशन है वो शुरू हो जाएगा और 11:50 पर आदित्य L1 को श्री हरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। हमारे साथ हमारे कई खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, हम उनका रुख कर लेते हैं, एक एक करके मैं उनका स्वागत कर लेती हूँ, इंट्रोडक्शन उनका दे देती हूँ। सबसे पहले सचिन भामा जी हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं, चेयरमैन है स्पेस इंडिया के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीके त्यागी जी हैं, एक साइंटिस्ट हैं विज्ञान प्रसार से, और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर विशाल अरोड़ा हैं एस्ट्रोलॉजी भारतीय विद्या भवन से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले सचिन भामा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये जो मिशन है, पहला सोलर मिशन इंडिया का, भारत का, चंद्रयान की सफलता तो हमने देख ली, पूरा देश, दुनिया जो है बहुत उत्साहित थी। आज के मिशन को लेकर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है, कितना अलग है ये मिशन आज का? देखिए, हम सभी जानते हैं कि अगर मैं अपने आप को भौतिक और एक मेंटल लेवल पे सेग्रीगेट करूँ तो सन से हमें हमारी दुनिया का सब कुछ फिजिकल मिलता है। जो एलिमेंट्स हैं वो हमें सन से मिल रहे हैं, हमारे पौधे जो खाना है वो सन से बना रहे हैं, हमारे जितने भी सैटेलाइट चल रहे हैं वो सन पे होने वाली मैग्नेटिक एक्टिविटी से उन पे इफेक्ट पड़ता है। तो सूरज हमारी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है, हम एक देवता की तरह उसको पूजते ही आए हैं, और हम पहली बारी एक ऑब्जर्वेटरी जो है जिसको स्पेस में भेज रहे हैं इस इम्पॉर्टेंट स्टार को, जो हमारा अपना स्टार है, उसको स्टडी करने के लिए। तो आप समझ सकती हैं कि ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उस पर होने वाले फिनोमिना को समझ सकें, उसके गुस्से को समझ सकें, उससे जो हमारे को बेनिफिट्स मिलते हैं उनको बेहतर तरीके से अपने लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी स्टडीज़ कर सकें, उसके टेम्परेचर को समझ सकें, उसके कॉम्पोजिशन को समझ सकें। और ये सब करने के लिए हम पृथ्वी पर ये सब स्टडी नहीं कर सकते, इसीलिए पहली ऑब्जर्वेटरी हम वहाँ भेज रहे हैं। और सिंस इसरो प्रूव कर चुका है कि अब इस तरह के मिशंस में वो पूरी तरह से सक्षम है, चांद पे इतनी खूबसूरती से हमने अपना चंद्रयान उतारा और पहला ऐसा देश बने जो साउथ पोल के रीजन में लैंड किया, तो अब ऐसा देश होना जिसका मिशन, अपना एक मिशन, अपनी एक ऑब्जर्वेटरी सूरज को स्टडी कर रही है, और सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। बिल्कुल, एक बड़ी उपलब्धि और इस पल का इंतजार अब हो रहा है। बीके त्यागी जी, इससे पहले ऐसा तो नहीं है कि पहली बार सोलर मिशन जा रहा है, इससे पहले भी कई देश सोलर मिशन के लिए तैयारी कर चुके हैं, सोलर मिशन भेज चुके हैं। किस तरह से फायदा पहुंचाता है ये सोलर मिशन, इस तरह से हम किस तरह से सूर्य को लेकर अध्ययन कर सकते हैं? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं है कि हम हमारे पास हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है जो, और उससे पहले भी मद्रास में एक सोलर ऑब्जर्वेटरी थी जो सूर्य को पढ़ रहे थे, लेकिन पृथ्वी से पढ़ रहे थे। लेकिन क्या होता है कि जब पृथ्वी पे कहें कि बहुत सारी जो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो बहुत सारी जो चीज़ें प्रकाश के साथ जो पृथ्वी पर आती हैं सूर्य से, वो वहीं रह जाती हैं, कुछ एनवायरनमेंट में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड से डिस्पर्स हो जाती हैं, तो हमें पता नहीं लग पाता कि जो सूरज का जो एक्चुअल नेचर क्या है। तो अभी क्या है कि ये जो मिशन है जिसको हम L1 बोल रहे हैं, वहाँ ये ऑब्जर्वेटरी, यानी कि अंतरिक्ष में ये ऑब्जर्वेटरी होगी और एक ऐसी जगह पर होगी जो कि सूरज और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वहाँ न्यूट्रलाइज हो जाता है, वहाँ दोनों का जीरो है, तो किसी कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा, और सूरज से जो भी पार्टिकल किरणें या जो और जो चीज़ें आ रही हैं वो डायरेक्टली हम उसको स्टडी कर पाएंगे, उसमें पोल्यूशन नहीं होगा, एक तरीके से मैं कहूँ उस भाषा में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी चर्चा आपसे जारी रखूंगी।